हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तंग एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं मेंटल मैथ्स, जो है आपका चैप्टर 3 का कंप्लीट कर देंगे। इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर अपने एक्सरसाइज 3A, 3B एंड 3C कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखी तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। बुक है आपकी कंपोजिट मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, मेंटल मैथ का सिंपली मीनिंग है आप जो क्वेश्चन मेंटली कर सकें वो क्वेश्चन आपके मेंटल मैथ के अंदर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, स्क्वायर ऑफ 16, 16 का स्क्वायर का मतलब 16 × 16 मल्टीप्लाई करने पर आएगा 256। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 256। स्क्वायर ऑफ 5/9, 5 का स्क्वायर होता है 25, 9 का होता है 81। स्क्वायर ऑफ 0.3, यहाँ पर आपको देख ध्यान रखना पड़ेगा 0.3 × देखिए क्या करेंगे, 0.3 × 0.3, 3 × 3 = 9। क्या ये सिंपल है? यहां पर देखिए डेसिमल कितने नंबर पे, 1 और 2, तो यहां पर सिर्फ 1 नंबर है, तो यहां पर 0 लगा के हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो जो यहां पर थर्ड का जो आंसर है आपके पास क्या आ जाएगा, 0.09। फोर्थ का देखिए, यहां पर 2 जीरोज हैं, तो यहां पर देखिए 0.07 मल्टीप्लाई बाय 0.07, 7×7 = 49। डेसिमल कितने प्लेसेस पे आएगा, 1, 2, 3, 4, लेकिन यहाँ पर नंबर 2 ही है तो हमें यहाँ पर 2 जीरो लगाने पड़ेंगे। तो 0.0049 इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। तो 0.0049। एंड नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसके जो सॉल्यूशन है वो हमने किए थे एक्सरसाइज 3B के अंदर, ठीक है। तो यहां पर कैसे होता था इसका आंसर, n+1+n, ठीक है, मतलब 99+98, इसको आप एडिशन करेंगे तो आपके पास आएगा 197। दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सिंपल है, क्या करना है देखिए, इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे तो यहां पर आ जाएगा 81। देखिए 1, 2, 3 और 4, 4 नंबर है तो यहां पर हम 4 जीरो लगा देंगे। 81 का स्क्वायर रूट होता है 9। अब देखिए डेसिमल में कितने 4 जीरोज हैं और स्क्वायर रूट हटने के बाद यहां पर कितने रह जाएंगे, 2। और यहां पर देखिए 2 जीरोज हैं, तो अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.09 इज योर आंसर फॉर अगेन क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर भी क्या देगा, 0.09, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, विदाउट एडिंग, आपको ऐड नहीं करना। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या था, जितने भी आपके फर्स्ट ओड नंबर होते हैं उनका सम उनके नंबर के स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है, किसके इक्वल होगा, 9 के स्क्वायर के बराबर। तो 9 का स्क्वायर होता है 81, सो 81 इज योर आंसर। नेक्स्ट देखिए, हमें यहाँ पर काउंट करने हैं कितने जीरोज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। जब आप इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितने जीरो रह जाएंगे, 5। तो 1, 2, 3, 4, 5, दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 18 टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। अब यहां पर हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर अपने बात करें 1 to 10 की, जो हमें स्क्वायर लर्न है, अगर मैं 4 के स्क्वायर की बात करता हूं तो होता है 16 और 5 के स्क्वायर की बात करता हूं तो 25। अब 18 क्या है, 16 से बड़ा है, तो अगर मैं 18 में से 2 माइनस कर दूं द नंबर शुड बी 2, ठीक है। अगर मैं 18 में से 2 माइनस कर दूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 16, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अगर इसमें पूछता कि व्हाट शुड बी एडेड, ठीक है, तो यहां पर हमें क्या ऐड करना पड़ता, 7। अगर मैं 18 में 7 ऐड करता हूं तो मेरे पास आता है 25, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर अगेन, ठीक है। क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को समझ लिए अगर आप, और बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, तो यहां पर देखिए क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 की पावर x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए स्क्वायर रूट से तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 625 इज इक्वल टू 5 की पावर x। अब 625 देखिए हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं, 5 से करेंगे देखिए, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है, 5 है,
तो यहां पर देखिए करते हैं हम, फाइव वन जा फाइव, फाइव टू जा टेन एंड फाइव वन जा फाइव, फाइव जा ट्वेंटी फाइव, अगेन फाइव से करेंगे फाइव टू जा टेन, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, अगेन फाइव से करेंगे तो यहाँ पे फाइव टाइम्स, और ये जाएगा देखिए कितने हो गए, तो 625 इज इक्वल टू फाइव की पावर फोर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे फाइव रेज टू फोर इज इक्वल टू फाइव रेज टू एक्स। तो अब ये हमने रूल पढ़ा था, जब भी इक्वल टू का साइन हो और बेस सेम हो तो पावर भी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। इट मीन्स x की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, यहां पर x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। तो स्टूडेंट्स जो आपका आंसर है ये है हमारे पास यहां पर 4। तो इसी के साथ जो है आपका मेंटल मैथ्स ऑफ चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं चैप्टर असेसमेंट। तो तब तक के लिए वीडियो के साथ बने रहें, चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम इसको जो चैप्टर हैं उनकी वीडियोज हैं वो जल्द से जल्द लाएं। कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट करें, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। और स्टूडेंट्स आपका जो लाइक है सब्सक्राइब है उससे हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलेगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।